कितने प्यारे चीजी और तुम आपके हमारे जो है ना स्नैक्स तैयार हो गए मेरे भाइयों, देख रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। रोजे में अफतारी के टाइम पे ऐसा दिल चाहता है कि कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। आज की रेसिपी कमाल की रेसिपी, पोटैटो और चीज से स्नैक्स किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं आज की रेसिपी में मुकम्मल गाइड करूंगा। फटाफट से बनते हैं, टेस्टफुल होंगे, कमाल के होंगे। आप कहेंगे कोई स्नैक्स की रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है, तवज्जो से देखिएगा। पहले थोड़ा सा प्रोसेस समझ लें। ये मेरे पास चार आलू थे, इनको मैंने बॉयल कर लिया, वजन में देखा जाए 300 ग्राम बनते हैं, ठीक हो गया। इनको मैं मैश कर लूंगा इस तरीके से, इसकी मदद से अच्छे तरीके से। गल समझ आ गई, ये बात यहाँ खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास मुजरेला चीज है, इसको मैं कद्दूकश की मदद से कद्दूकश कर लूंगा, क्रैश जिसे कहते हैं वो कर लूंगा। ये मेरे पास सब्ज धनिया है थोड़ा सा, एक छोटी प्याज है, एक शिमला मिर्च है, तीन सब्ज मिर्चें हैं, इन सबको मैं अच्छे तरीके से चॉप कर लूंगा। ये मेरे पास व्हाइट वाले ब्रेड क्रम्स हैं, इनको भी मैं चॉपर में डाल के बारीक कर लूंगा। हमें मोटे वाले नहीं चाहिए, बारीक वाले चाहिए, ठीक हो गया। ये तमाम प्रोसेस मैं कर लूं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं। आलू अच्छे तरीके से मैश कर लिए, ये चॉप कर लिए हमने, शिमला मिर्च, प्याज और सब्ज मिर्चें इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। कुछ मिसाले शामिल कर लें, 1 टीस्पून खुश्क धनिया इस तरीके से डाल दें, 1/2 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें, हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दें, रेड चिल्ली पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें। शामिल करने के बाद ये हमारे पास मैदा है, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 टेबलस्पून मैदे के शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसको गूंद लें आलूओं के साथ मैदे को। इसको जो हमने गूंदा तो हमने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया, कभी पानी बेच दब दे, गल समझ आ रही है। पानी, आलू ने जो अपना पानी छोड़ा उसी के साथ हमने मैदे को गूंद लिया। इस तरीके से एक डो सी तैयार कर ली, इसको साइड पे कर दे, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। फिर जब हमने करना ये है, इस तरीके से हमने अपना मिक्सचर लेना है, ये कुकिंग ऑयल हाथों को लगा लें, इस तरीके से मिक्सचर को उठाएं, जिस साइज का आपको पसंद है उस साइज का आप ले लें। थोड़ा सा इसको इस तरीके से करें, टिक्की टाइप बना लें, जैसे शामी टिक्की बनाते हैं उस तरीके से आप बना लें। इस तरीके से थोड़ा सा लंबाई में चीज़ उठाएं, मुजरेला चीज़, इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे रखें और इसको हर तरफ से इस तरीके से अंदर दबा के इसको फोल्ड कर दें, इस तरीके से, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस तरीके से, इस तरह फोल्ड करके इसका लड्डू सा दोबारा से बन जाएगा इस तरीके से। ये देखें, कल समझ आ रही है, इस तरीके से और फिर हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे हम, हल्का हल्का, ठीक हो गया। ऐसे 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 ऐसे, ये देखें इस तरह के हम बना लेंगे, यहाँ पे रखते रहेंगे, फिर कुकिंग ऑयल लगाएंगे, फिर लेंगे, मैं आपको और बना के दिखा दूँ इस तरीके से। पहले लड्डू तैयार करेंगे इस तरह गोल सा, फिर इसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे ऐसे बड़े साइज में, फिर मुजरेला चीज़ लेंगे, इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे, ठीक हो गया। फिर इसको हर तरफ से यहाँ पर ले आएंगे और फिर इसको इस तरीके से करके ऐसे ऐसे ये चीज़ें ऐसे, ये देखें ऐसे, फिर इसको गोल लड्डू सा बना लेंगे, गोल लड्डू बना के फिर इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे प्रेस कर देंगे, ये इस तरीके से। ये सब हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तमाम स्नैक्स टिक्कियों की शक्ल में इस तरीके से हमने तैयार कर लिए। इस टाइम पे आके आप इसको फ्रोजन भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब ये आप इसको फ्रीजर में रखेंगे, एक घंटे के बाद ये हार्ड हो जाएंगे, फिर आप इसके पैकेट बना सकते हैं, ये फ्रोजन की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने फौरन इस तरीके से फ्राई करने हैं तो हमने यहाँ पे आयल चढ़ा दिया और ये हमने ब्रेड क्रम जो थे वाइट वाले, इनको हमने चॉपर में चॉप किया था, बारीक किए थे, फाइन। इस तरीके से इसके अंदर हम इसको लगा लेंगे अच्छे तरीके से, इस तरीके से, ठीक हो गया। और यहाँ पे रखते रहेंगे सबको, हम इसी तरीके से लगा लेंगे। ये रहे जी, आयल गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर चीज रेडी है, सिर्फ हमने ऊपर इसके ऊपर गोल्डन कलर या बादामी कलर लेके आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे डाल दें अपने स्नैक्स, एक से डेढ़ मिनट लगेगा एक साइड से, एक से डेढ़ मिनट दूसरी साइड से। ये रहे जी, डेढ़ मिनट के बाद मीडियम फ्लेम था हमारा, इसकी साइड को चेंज करने लगे हैं इस तरीके से। हमें ये वाला कलर चाहिए, ठीक हो गया, ज्यादा डार्क वाला नहीं चाहिए। इस तरीके से इनकी साइड को चेंज कर दें और डेढ़ मिनट के लिए, या डेढ़ मिनट के लिए ना सही तो गोल्डन ब्राउन जिसे आप कहते हैं बादामी कलर होने तक इसको इस साइड से भी फ्राई कर लें। हल्का हल्का प्रेस करेंगे हम, ऐसे हल्का सा इस तरीके से, बस डेढ़ मिनट के बाद फिर आपको मिलेगा। ये रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह इनको निकालने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे इस तरीके से, सुभानअल्लाह, गल समझ आ रही है, ये इस तरीके से, बिस्मिल्लाह, बहुत टेस्टी तैयार होंगे। मैं आपको इनके लुक दिखाऊंगा, आप कहेंगे कि बाबा जी ऐसी आज तो यही बनाने ने, गल समझ आ रही है। इस तरीके से दोनों साइडों से हो चुके हैं, ये देखें, गल समझ आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे रख दें, जो बकाया हमारे स्नैक्स बचे हैं 5 अदद वो भी हम डाल देंगे। 4 बड़े बच्चे ने तो एक छोटा बने हैं, गल समझ आ रही है, छोटे भी बढ़ा देंगे नाल ही। इस तरीके से साइज छोटा या बड़ा आप भी कर सकते हैं, ये हमारे पास इस साइज का भी बन गया है, ठीक हो गया। ये इसी प्रोसेस से मैं गुजारूंगा, डेढ़ मिनट एक साइड से, डेढ़ मिनट दूसरे साइड से, फिर आपसे मिलता हूँ। ये रहे जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयार हो चुके हैं, इनको भी यहाँ पे निकालने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को बंद करने लगे हैं, हल्का सा इनका जो ऑयल वगैरह है वो थोड़ा ड्राई हो जाए, अच्छे तरीके से इसमें से निकल जाए टिक्कियों में से थोड़ा सा, फिर आपसे इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटो केचप के साथ हम इसको स्नैक्स को अपने इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये देखें कितने प्यारे इनकी लुक बनी है, ये देखें, ये देखें, सुभान अल्लाह, गल समझ आ रही है। ये इस तरीके से छोटे वाला यहाँ सेंटर में रखेंगे, इसको यहाँ साइड पर करेंगे, ये एक आपको तोड़ के दिखाएँगे, थोड़ा सा गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिएगा, ये देखें कितने प्यारे चीजी और कमाल के हमारे जो है ना स्नैक्स तैयार हुए हैं मेरे भाइयों, देख रहे हो, ऐ देखो हुण बाबा किधर जावे, ऐ देखो। ये ले जी, अगर आपको हमारी ये चीज और पोटैटो यानी कि आलू से जो हमने स्नैक्स तैयार किए हैं अफतारी के टाइम पे आप बनाएं, टेस्टफुल बनते हैं, कमाल के तैयार होते हैं। एक नई जिद्दत, नई रेसिपी आपसे मैंने शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।